कोरोना का दूसरी लहर एक बार फिर शुरू हो गया है। देश और राज्य के साथ साथ पलामू जिले में भी कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कुछ दिन पहले तक यहाँ कोरोना के एक भी मरीज नहीं थे, लेकिन अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 15 पार कर गई है। ऐसे में एहतियात जरूरी है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर वैक्सीन भी लगवाएं। जिनका नंबर आ रहा है यानी कि 45 वर्ष से जो ऊपर के उम्र के लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने की अपील भी जिला प्रशासन की ओर से भी की जा रही है। इस बीच कई स्वयंसेवी संगठन के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और वैसे जागरूक लोग जो जागरूक हैं, अवेयर हैं, वो भी आगे आकर आम नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन और एहतियात जरूरी है। पलामू के रहने वाले युवा सामाजिक कार्यकर्ता आशीष भारद्वाज अपनी टीम के साथ आज बाजार क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से मास्क लगाने की अपील की। आशीष भारद्वाज के साथ टीओपी वन प्रभारी वीरू पासवान भी मौजूद थे। वीरू पासवान और आशीष भारद्वाज ने न सिर्फ लोगों को जागरूक किया बल्कि वैसे लोग जो बाजार में बिना मास्क के घूम रहे थे उन्हें मास्क भी देकर उनसे आग्रह किया कि अभी मास्क लगाना बेहद ही जरूरी है अगर हम सबों को कोरोना से बचना है तो। कैपिटल न्यूज भी आपसे बार बार यही अपील कर रही है कि अभी कुछ दिन और एहतियात और संयम जरूरी है। तमाम लोग अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और अपना नंबर आने पर वैक्सीनेशन भी जरूर लगवाएं। आशीष भारद्वाज ने आम लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के प्रति अपने खुद तो जागरूक हो ही और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। करने आए लोग थे जिनके पास मास्क नहीं था, उन्हें भी मास्क दिया और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप प्लीज कोविड के नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें और जो भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं उसको ले। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर ये 25-30 दिन सेकेंड वेव से हमने लड़ लिया तो पिछली लड़ाई की तरह हम इस लड़ाई को भी जीत पाएंगे। और आप सबों से भी आग्रह है कि प्लीज जितना हो सके कोविड के नियमों का पालन करते हुए इस कोरोना के लड़ाई में एक सजग नागरिक की भूमिका निभाएं।